हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिसी शर्मा आज आपके लिए एक बहुत सुंदर और बहुत प्यारा दो रंग का डिजाइन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये दो कलर का डिजाइन है, ये मैंने इसमें 40 फंदे डाले हैं और इसमें साथ में दूसरा कलर लगाऊंगी। इसमें मैंने एक सीधी और उल्टी सिलाई डाल दी है। अब देखो इधर से पहले दो फंदे हमने सीधे उतार, एक फंदा सीधा उतारा, एक फंदा बुन लिया। अब इधर से हमने इसको गांठ लगा लेनी है छोटी सी। ये दो दो मल्टीपल में डिजाइन है, दो दो फंदों का। ये इसको हमने ऐसे पकड़ के दो सीधे, दो वाइट और दो रेड, दो वाइट। ये रो हमारी अभी ऐसे चलेगी, दो रेड, दो वाइट, दो रेड। ये दो दो बंटी भर में डिजाइन पड़ेगा। ये आम छोटे बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, स्वेटर में, जहाँ भी आप डाल सकते हो उसको डाल सकते हो। ये बहुत सुंदर डिजाइन बनेगा। देखो ये सीधी सिलाई हमारी दो दो फंदों की पूरी हो गई। अब उल्टी सिलाई भी हमारी ऐसी चलेगी, दो सीधे, दो वाइट, दो रेड। इसको हमने ऐसे चलाना। ये चार सिलाइयों का डिजाइन है। ये हमारी उल्टी सिलाई भी पूरी होगी। अभी दो सिलाइयाँ और पड़ेगी ऐसी, रेड में ऊपर रेड और वाइट के ऊपर वाइट ही आएगी।
ये हमारी सीधी सिलाई भी पूरी हो गई, रेड के ऊपर रेड और वाइट के ऊपर वाइट। अब एक सिलाई और उल्टी सिलाई भी हमारी ऐसी आएगी। ये हमारी उल्टी सिलाई है। ये हमारी हम चार सिलाइयाँ पूरी हो गई, दो सीधी दो उल्टी। ये देखो अभी देखने में ऐसे लगता है। अभी हमने क्या करना है, पहला फंदा मेरा बुरा उतार लिया। अब इसको हमने क्या करना है, इसको ऐसे लेके आगे से वाइट को आगे से उतार लेना है। ये लाल मुल लिया, अब इसको हमने वाइट बनाना है। ये वाइट हो गया, अब इसको लाल वाले को, इस लाल वाले को इसके ऊपर से ला के ऐसे वाइट हो गया। ये देखो अब हमने इसको लाल बनाना है। इसको लाल को पीछे कर लिया, वाइट को आगे ले आए। ये लाल लाल बोल लिया, अब इसको वाइट वाइट वाले को पीछे करके ये ऐसे, ये दो वाइट हो गए। अब इसको हमने रेड बुन के, ये देखो ये लाल फंदे को हमने पहले बुन लिया एक, बिना बुरे उतारा। अब लाल वाइट को हमने लाल वाले को पीछे लाए और वाइट वाले को आगे ले आए ऐसे करके। अब इसको भी हमने लाल बनाना है। ये लाल बना लिया, ये धागा खींचा थोड़ा सा ढीला था। अब इसको हमने वाइट बुनना है। आने दो दो ही है हमारे। अब इसको हमने पीछे से लाना है, लाल वाला आग ऐसे करके ऐसे ले आना। इसको भी वाइट बुन लिया, अब इसको हमने लाल लाल बुना, इसको पीछे से ला के ऐसे। ये भी लाल हो गया सीधा। ये सीधा हो गया, अब इसको हमने वाइट बनाना है। ये वाइट बना लिया और ऐसे करके
ये दो, इसको लाल लाल बुन के, इसको पीछे से ला के वाइट को, ये लाल हो गया, वाइट लाल हो गया। अब इसको वाइट वाइट बनना, इसको वाइट को पीछे, रेड को आगे, दो ये लाल, एक बार पीछे से लाना। आज ये देखो, ये ऐसे करके, ये दो वाइट, फिर लाल, ये देखो, अब इसको रेड, और रेड वाले को वाइट वाले को पीछे से ला के, रेड वाले को आगे से पीछे कर लेना है। ये दो रेड हो गए, अब इसको वाइट, अब वाइट वाले को पीछे से ला के, ये देख ऐसे, इसको लाल, ये वाइट, ये रेड, और रेड वाले को आगे, वाइट वाले को पीछे से, रेड वाले को आगे से ला के, ये वाइट वाला लाल हो जाएगा, दो, ये रेड वाला वाइट बनाना। अब जो वाइट है इसको पीछे से ले जा के उधर ले जाना, पीछे रेड वाले को आगे लाना है, ये दो वाइट हो गए। अब ये एक रेड और वाइट है, अब इसको रेड बनाना, और रेड वाले को पीछे, ये वाइट वाले को पीछे से आगे लाना, रेड वाले को पीछे ले जाना, और ऐसे करके रेड, अब वाइट वाइट वाले को पीछे, ऐसे ऐसे करके रेड रेड वाले को, ये देखो लास्ट में हमारे वाइट दोनों प्लेन आ जाएंगे। अब उल्टी सिलाई हमारी फिर ऐसी उल्टी चलेगी, रेड में रेड, वाइट में वाइट, जब इस धागे को नीचे से ला के ऊपर,
लास्ट में दो रेड, ये देखो अभी आगे बनाऊंगी तो ये बहुत सुंदर और बहुत प्यारी डब्बी बनती है। ये अभी दो सिलाइयाँ ऐसे ही डलेगी, ऐसे वाइट ये दो रेड, अभी दो सिलाइयाँ और ऐसी आनी है, दो वाइट, दो रेड। ये बहुत आसान और बहुत प्यारा डिजाइन लगता है, पूरे स्वेटर में डलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये दो जिसको नहीं भी आता ये वो भी बना सकता है बड़े आराम से। ये देखो हम हमारी साड़ी ये हो गए फंदे पूरे वाइट, और उल्टी सिलाई भी हमारी ऐसी आएगी। ये देखो उल्टी सिलाई भी दो वाइट, जब ये शुरू करना इसको ऊपर से लाना फंदे को और ऊन को, दो रेड दो वाइट, 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 ऐसे करके हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरी वीडियो दो दिन लेट हो गई इसलिए सॉरी, मैं कहीं चली गई थी। लास्ट में हमारे दो रेड, देखो हमारी ये चार सिलाइयाँ पूरी हो गई। अब हमने क्या करना है, पहला फंदा बिना बुरे उतार लेना है। अब ये रेड वाले को हमने अंदर लाना, वाइट वाला बाहर जाएगा, ऐसे करके उल्टा लेना फंदा, इसको लाल बनाना है और इसको हमने वाइट बनाना है, और ये वाला रेड भी हमारा अंदर आ जाएगा, ये ऐसे करके इसको भी हमने वाइट बनाना है, और ये हमारा रेड आएगा, ये भी हमारे ऐसे ही दो दो रेड दो दो वाइट ही हो जाएंगे। ऐसे करके ये दो रेड हो गए, इसको वाइट, और ये पीछे वाइट पीछे से लाना है, इसको आगे से ला के ऐसे दो वाइट रेड और ये भी रेड, इसको वाइट, ये रेड वाला आगे से लाना है ऐसे ऐसे करके वाइट रेड ये दो रेड दो वाइट,
फिर दो रेड आए, इसको भी रेड बना लेना, जो वाइट वाला पीछे से आएगा उसको भी हमने रेड बना लेना है, ये दो। अब इसको वाइट, ये देखो ऐसे उतार के पीछे से लाना, ऊपर से उठा के नहीं लाना। ये वाइट, इसको रेड, ये देखो ये रेड, सॉरी ऐसे, ये दो दो ही हमारे रेड और वाइट होते जाएंगे। ये देखो इसको वाइट, दे दे अब हमारा पीछे एक रह गया, इसको रेड को अंदर, ये ला सॉरी, इसको हमने पहले रेड बुनना है, फिर इसको हमने पीछे से ला के इसको इधर, और ये रेड। अब लास्ट वाले हमारे दोनों वाइट हो जाएंगे, ये देखो हमारे फिर दो दो और वाइट और दो रेड हो गए। अब मैं उल्टी सिलाई फिर हमारी ऐसे चलेगी, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दो रेड जिसको ऐसे दबा के, दो रेड दो वाइट, दो वाइट, दो रेड दो वाइट, दो रेड दो वाइट, दो रेड दो वाइट, दो रेड लास्ट में दो हमारे रेड, ये देखो ये हमारी कितनी सुंदर और प्यारी डब्बी बनी है। ये ऐसे ही पूरी डब्बी का बनेगा। अगर आपने हाफ स्वेटर में डालना है, मतलब हाफ नीचे नीचे डालना, नीचे नीचे भी आप डाल से ऊपर प्लेन बना सकते हो। ये देखो ऐसे सुंदर, आगे से ऐसे दिखती है, पीछे से ऐसे डबल
ऊन चलती है, पीछे से ऐसे होता है, आगे से हमारी डब्बी ऐसी बनेगी।